कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता में नर्सिंग होम संचालन को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग के चार इनामी बदमाशों ने पुलिस के दबाव में आकर गोरखपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 25,000 के इनामी बदमाश बेलीपार थाना क्षेत्र निवासी सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह, सिकरीगंज थाना निवासी राहुल शर्मा पुत्र सुनील शर्मा, अनिल शर्मा पुत्र बहादुर, बासगांव थाना क्षेत्र निवासी विशाल सिंह पुत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि 23 अगस्त को बेतिहाता स्थित कमिश्नर आवास के पास कुछ मनबड़ किस्म के लोगों ने आपसी विवाद में फायरिंग कर दी थी, जिसमें चार लोग घायल हुए थे। इस गोलीकांड का मुख्य आरोपी पूर्व विधायक पहलवान सिंह का लड़का और वर्तमान में हैंसर विभाग खंड का प्रमुख प्रिंस अगम सिंह को पुलिस ने पिछले सप्ताह ही एक कार्बाइन, एक पिस्टल, 9 mm के चार जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, प्रतिबंधित बोर 303 बोर राइफल के 2 कारतूस, 5.56 बोर राइफल के 5 जिंदा कारतूस, 1 बिना नंबर की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। बाकी अभियुक्तों पर SSP ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसमें से पुलिस की लगातार दबिश और दबाव के कारण चार अभियुक्तों ने शुक्रवार को गोरखपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। नाम सबका याद है, हम बता रहे सबका नाम। राहुल सिंह, सूरज सिंह, उसका एक्सरे कराना है। एक्सरे कराना बेतिहाता के अंदर पिछले सप्ताह दो हॉस्पिटल संचालकों के गुट के अंदर जो है फायरिंग की घटना हुई थी। इसके अंदर एक पक्ष की तरफ से जो है FIR दर्ज कराई गई थी, उनको जो है गनशॉट इंजरी भी हुई थी। इसके अंदर लगभग चार लोग इंजर्ड हुए थे और इस घटना का जो एक मुख्य अभियुक्त था उसको पिछले सप्ताह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जो शेष चार लोग थे, जिसके अंदर चार लोगों के जो नाम हैं सूरज सिंह, राहुल शर्मा, अनिल शर्मा, विशाल सिंह, इन लोगों का नाम घटना में प्रकाश में आया था। इन सभी के ऊपर 25,000 रुपये का रिवार्ड किया गया था। लगातार इनके यहाँ पे दबिश दी जा रही थी। इनमें से कुछ लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में आई थी, उनके जमानत निरस्तीकरण इत्यादि कार्रवाई भी चालू की थी। आज इस दबाव के तहत इन चारों लोगों ने माननीय न्यायालय के अंदर आत्मसमर्पण जिला गोरखपुर के अंदर कर दिया गया। इनको कस्टडी रिमांड पर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।